श्लोक संख्या 27। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् मृत्स्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। ब्रह्मणो हि प्रतिष्ठाहम् मृत्स्याव्ययस्य च शाश्वतस्य च धर्मस्य सुखस्यैकान्तिकस्य च। भगवान कृष्ण कहते हैं, और मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूँ जो अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। तो भगवान कृष्ण यहां बता रहे हैं कि वो लोग जो ब्रह्म की उपासना करते हैं वो अमर्त्य पद को ढूंढते हैं, यानी ऐसा पद जहां मृत्यु ना हो, जो पद अविनाशी हो और शाश्वत हो और जहां सुख ही सुख हो। ब्रह्म भगवान की दिव्य शरीर की दिव्य प्रभा है। वो जो प्रभा, वो जो सुंदर सुंदर रोशनी है, प्रकाश है भगवान के शरीर का, वो ब्रह्म है। और जो उस ब्रह्म में लीन होना चाहता है, ब्रह्म में स्थित होना चाहता है, वो ऐसा व्यक्ति होता है जो भौतिक नाशवान चीजों के प्रति उदासीन हो गया हो, जो अब अविनाशी को प्राप्त करने की मंशा रखता हो, ऐसा व्यक्ति ब्रह्म को प्राप्त करना चाहता है। तो भगवान कहते हैं कि ये जो ब्रह्म है ये अमर्त्य है, ये मरता नहीं है, ये अविनाशी है, शाश्वत है और चरम सुख का स्वाभाविक पद है। गलत नहीं है ब्रह्म की तरफ मुड़ना, लेकिन याद रखिए, ब्रह्म का आश्रय मैं हूं। यहां भगवान ने स्पष्ट रूप से कहा कि ब्रह्म मुझसे निकला है, ब्रह्म मेरा तेज है, ब्रह्म का आश्रय मैं हूं। ब्रह्मणो ही प्रतिष्ठा हूं, उसका आधार मैं हूं, अगर मैं ना हूं तो ब्रह्म भी ना हूं। तो वस्तुतः भगवान को तीन तरीके से पूजा जाता है। कोई लोग भगवान को निराकार रूप में पूजते हैं, सोचते हैं ये रोशनी का पुंज है, इसका कोई आकार नहीं है। कोई सोचता है कि नहीं, जो हमारे हृदय में परमात्मा है, जो शंख चक्र गदा पद्म धारण किए हुए हैं अपने चारों हाथों में, वही जीवन की मंजिल है। और गीता में भगवान ने कहा, मैं कृष्ण ही जीवन का लक्ष्य हूं। और यहां भी इसी बात को एक दूसरे तरीके से दोहरा रहे हैं भगवान कि मैं उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं जिसके पीछे दुनिया भाग रही है। और आगे भी भगवान ये कह ही चुके हैं कि जो कोई व्यक्ति अव्यक्त की पूजा करता है उसके हाथ में दुख और क्लेश के सिवा कुछ नहीं आता। फिर भी भगवान ने यहां पर ये बात दोहराई है कि अगर फिर भी कोई ब्रह्म की तरफ भागता है तो ये सोच के भागे कि ब्रह्म जो है वो मेरा तेज है, मेरे शरीर का तेज है। तो ये कि साकार कुछ नहीं होता, सिर्फ निराकार होता है, इस चीज का भगवान ने यहां पर खंडन किया है इस बात का, ये कहकर कि मैं ही उस निराकार ब्रह्म का आश्रय हूं। भगवान ने ये नहीं कहा कि निराकार ब्रह्म से मैं आया हूं। भगवान कहते हैं मुझसे निराकार ब्रह्म आया है, मैं ही उसका आश्रय हूं और वो मुझ पर ही प्रतिष्ठित है, मेरे द्वारा है, मेरी वजह से है। तो आगे भगवान कहते हैं कि ये जो अमर्त्य, अविनाशी और शाश्वत और चरम सुख का स्वाभाविक पद है, तो इस तरफ जो बढ़ रहे हैं वो भी ज्ञान में ही स्थित हैं। लेकिन अगर वो साकार रूप यानी कृष्ण के साकार रूप यानी कृष्ण को ना माने, तो उसी के लिए भगवान ने यहाँ पर एक तरीके से ये चेतावनी दी है कि आप बेशक उस तरफ जाएं, लेकिन हमेशा इस बात को स्मरण रखिएगा कि ब्रह्म मेरे कारण है, मैं हूं तभी ब्रह्म है।